बॉलिंग की शुरुआत करेंगे सतनाम इलेवन के हमारे सबके लाडले चाचा विनोद भैया। चाचा के नाम से मशहूर हमारे जगत चाचा बॉलिंग करेंगे एडीएम अड्डा पॉइंट से स्ट्राइक पर। हितेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। नॉन स्ट्राइक एंड पे जो बल्लेबाज उनका नाम जानना चाहेंगे। अंपायर्स स्कोरर रेडी। नॉन स्ट्राइक एंड पर रिक्की। लो फुल टॉस गेंद बनाया और पहली बाउंड्री प्राप्त की यहां पर गुरुकुल इलेवन ने। ललचाया था वहां पर हमारे विनोद भैया ने हितेश को। चाचा एक बार फिर तैयार। फिर गैप में खेला चेस करते हुए लेकिन इस बार भी रिजल्ट वही रहेगा। बैक टू बैक बाउंड्रीज गुरुकुल इलेवन को। आठ रन स्कोर हो चुका है गुरुकुल इलेवन का। चार शॉट उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। दूसरा रन लेना चाहते थे रिक्की लेकिन मना किया वहां पर हितेश ने। स्कोर बढ़ता हुआ चुका है नौ रन। विनोद चाचा हल्के तो देखे ऑफ साइड में फील्डर वहां पे मनीष भाई मौजूद। अच्छा थ्रो लेकिन इसी के बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हो चुका है गुरुकुल इलेवन का दस रन बगैर किसी नुकसान के। लेग स्टंप काफी बाहर और अच्छा फ्लिक किया लेकिन एक से संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पे हितेश को। स्कोर का इजाफा ग्यारह रन। गेंद हवा में लेकिन राजीव लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खड़े थे। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल इलेवन का। एक ओवर बारह रन अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर अजय पुनियानी बॉलिंग करेंगे ईडीएम अड्डा पॉइंट से स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर अंपायर का व्हाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ तेरह रन। हल्के हाथों से खेला फील्डर अभी मौजूद। रनआउट का चांस हो सकता था लेकिन इसी बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लो फुल टॉस गेंद घुमाया वहां पर फील्डर मोंटी वहां पे मौजूद।
गेंद हवा में नो मैन लैंड में, और इसी के साथ एक और बाउंड्री यहां पर। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए कैच इट का कॉल था वहां पर अजय का, लेकिन थोड़ा सा दूर थे राजीव, वहां पे एक रन चुराया है। मिड विकेट के ऊपर से खेला, फील्डर वहां पे चेस करते हुए राजीव, अच्छी फील्डिंग। कवर डिजाइन में खेला, फील्डर चेस करते हुए बॉल को, लेकिन इसी बीच दो रन चुरा है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल 11 का 23 रन, दो ओवर 23 रन। सतनाम 11 के ओनर जो पेविलियन में बैठे हैं मैच का आनंद उठाते हुए, और वो गुरुकुल 11 के खेमे में बैठे हैं। ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप काफी सितारों से भरी हुई है दोनों ही टीमें, गुरुकुल 11 और सतनाम 11। मुझे मुस्कुराहट साफ नजर आती हुई, दो थर्ड मैन रीजन में कई सालों से फील्डिंग करते हैं गुरुकुल 11 के लिए, लेकिन इस साल से उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। उनका मैच के बाद शॉल और श्री नारियल और शॉल से उनका स्वागत किया जाएगा हमारे गुरुशरण भैया का। गेंद हवा में, प्रॉपर जज नहीं कर पाया, और इसी के साथ चार रन प्राप्त किए। कैच छूटा हितेश बत्रा का, काफी धाकड़ बल्लेबाज है और कैचेस हमेशा उन्हीं की छूटती है जिनमें कुछ कर दिखाने की क्षमता है। क्या वो आज हितेश होंगे गुरुकुल 11 के विस्फोटक बल्लेबाज। काफी चतुराई से बल्लेबाजी की हितेश, क्योंकि जानते हैं कि पिछली गेंद पर विकेट जा सकती थी, इसलिए एक रन लेके स्ट्राइक रोटेट की, सूझबूझ पारी खेलते हुए यहां पर। खुद के फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना चाहते थे लेकिन थोड़ा मुश्किल हुआ मनीष भैया के लिए। स्ट्राइक पर एक बार फिर हितेश, फ्लिक किया वहां पर, एक रन चुरा है दोनों ही बल्लेबाजों ने। कवर्स के रीजन में खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, तीन ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है गुरुकुल 11 का 31 रन। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टीम का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सतनाम 11 के गोविंद बत्रा बॉलिंग करेंगे। तीन ओवर 31 रन।
लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का वाइट का इशारा। क्या ये स्ट्रेटजी है हमारे गोभी पीआई की या क्या है, हमें देखना होगा। काफी क्रूशियल मैच सतनाम और गुरुकुल के बीच। गेंद हवा में और पहले ही ओवर में यहां पर विकेट चटकाई गोविंद बत्रा ने। अच्छा कैच पकड़ा वहां पे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर राजीव शर्मा ने। नए बल्लेबाज जीतू चावला। स्ट्राइक पर जीतू, नॉन स्ट्राइक पर गोलू। और यहां पर एक और विकेट जा सकती थी, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पर मनीष भैया द्वारा। थोड़ा लो रह गई थी कैच, अगर उनके हाथ में बॉल फंस जाती तो एक और झटका लग सकता था जीतू के रूप में गुरुकुल इलेवन को। एक और जीवनदान यहां पे मिला है जीतू चावला को। क्या जीतू की किस्मत ने पूरा साथ दिया है, अब देखना होगा अपनी जीवनदान का किस तरीके का फायदा उठाते हैं जीतू। हल्के हाथों से खेला गोलू ने, वहां पे चाचा मौजूद थे, लेकिन एक रन लेकर संतुष्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने चौथा ओवर प्रगति पर। कट के यहां फील्डर रिंग के मौके पे मौजूद, दूसरे रन का कॉल लेकिन मना किया वहां पर गोलू ने। जहां तक सत्ता में इलेवन की जो बॉलिंग की कमान है, अच्छे बॉलिंग का नजारा पेश करते हुए गोविंद भैया द्वारा चार ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल इलेवन का बढ़ता हुआ 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। राजीव के दो ओवर शेष, मोंटी के दो ओवर शेष, शायद 5-6 ओवर के बाद दोनों ही बल्लेबाज डालेंगे, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अजय पुन्यानी सामना करेंगे जीतू चावला। अच्छा कट किया वहां पे गैप में, फील्डर चाचा ने पैरों से गेंद को रोकी। गेंद को भेजा वहां पर गोलू ने फुटबॉक्स में, स्कोर बढ़ता हुआ चुका है 40 में आता हुआ। अच्छा कमबैक यहां पर अजय द्वारा। लेग बिफोर की अपील और एक झटका लगता हुआ गोलू के रूप में यहां पर, जो सेट बल्लेबाज थे जिनका कैच भी छूटा था, काफी चतुराई से यहां पर अजय ने उनको डगआउट भेजा।
नए बल्लेबाज प्रिंस झाम। प्रिंस झाम ने अभी जो सीएपीएल का जो मैच हुआ था उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। प्रिंस अच्छी बॉल खेला वहां पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, एक रन से खाता खोला प्रिंस ने। अच्छा बॉल, अच्छा प्लेसमेंट, उतनी खूबसूरत फील्डिंग, क्रिकेट परफेक्ट क्रिकेट जो कहा जाता है वो हमें साफ यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही अच्छी टीमें हैं। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल इलेवन का। चौवालीस रन, पांच ओवर 44 रन, दो विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल यॉर्कर लेन की, वहां पर चतुराई से काफी गेंदबाजी करी हमारे गोविंदिया ने। बढ़िया बॉलिंग का नजारा यहां पर, कमबैक आती हुई थोड़ी सी सतनाम इलेवन, दो डॉट गेंदे, प्रेशर थोड़ा सा यहां पे बढ़ता हुआ गुरुकुल इलेवन के बल्लेबाज जीतू के ऊपर। खुद के फॉलो थ्रू में फील्ड किया, लगातार तीन डॉट गेंदे कराई इस ओवर में गोविंद बत्रा ने। जीतू शायद थोड़ा समय लेना चाहते हैं वहां पर। अच्छा कमबैक, बहुत बेहतरीन शॉट जीतू चावला द्वारा, अंपायर का निर्णय, छह रन स्कोर इसी के साथ साथ गुरुकुल का हो चुका है 50 रन, 50 अप गुरुकुल 11 के लिए। थोड़ा सा वक्त यहां पर जीतू ने जरूर लिया, लेकिन कवर्स की दिशा में खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, एक से संतुष्ट करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन, छठ ओवर प्रगति पर। इसके बाद के जो चार ओवर शेष रहेंगे, दो ओवर मोंटी और दो ओवर राजीव के रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। स्ट्राइक पर प्रिंस, अच्छी बॉल ऑन साइड में खेला, फील्डर वहां पे राजीव मौजूद। अच्छी बॉलिंग का नजारा पेश किया यहां पर। ओवर समाप्त, छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल 11 का बढ़ता हुआ। छह ओवर 52 रन, दो विकेट के नुकसान पर गुरुकुल 11 के पेविलियन में हमारे गुरुदत्त भैया के हाथ में बल्ला, प्रतीक्षा करते हुए अपनी पारी का कि कब मेरी पारी आएंगी और मैं कब बल्लेबाजी के लिए जाऊंगा। सात ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सतनाम इलेवन के राजीव सामना करेंगे प्रिंस का। सातवां ओवर, राजीव शर्मा फील्ड सेट करते हुए यहां पर।
अच्छी बॉल, अच्छा प्लेसमेंट, खुद के फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना चाहते थे राजीव, लेकिन कैच मिस किया वहां पर प्रिंस का, जो काफी धाकड़ बल्लेबाज है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे यहां पर प्रिंस। स्ट्राइक पर जीतू चावला, अच्छा शॉट खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, चीन की दीवार की तरह सतनाम इलेवन के मोंटी जयझाम। गुरुदत्तिया के सामने बल्ला रखा हुआ है, मुझे लगता है कि जैसे ही कोई अगर विकेट जाएगा, अपनी प्रतीक्षा करते हो अपनी पारी का। अच्छा शॉट, उतनी खूबसूरत फील्डिंग एक हाथ से फील्ड की और थ्रो किया, काफी बेहतरीन फील्डिंग तेजस ने, काफी खूबसूरत फील्डिंग की। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सीधा छह रनों के लिए, जीतू चावला, इनका भी दो कैचेस छूट चुकी थी। जीतू चावला, गेंद हवा में, तेजस और एक अच्छा कमबैक राजीव द्वारा, एक सिक्स लगने के बाद एक अच्छा कमबैक किया, विकेट चटका यहां पर जीतू की, डगआउट में जाते हुए जीतू। गुरुकुल इलेवन के कप्तान ने मना किया यहां पर गुरुदत्त को जाने के लिए बल्लेबाजी के लिए, इसके बाद जाना पड़ेगा क्योंकि गुरुशरण पुन्यानी फील्डर तेजस, गुरुदर्शन पुन्यानी वहां पर जा चुके थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी पेश की यहां पर जीतू चावला ने। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल इलेवन का 61 रन, सात ओवर 61 रन गुरुकुल 11 का। अंतिम तीन ओवर शेष, बॉलिंग की कमान मोंटी जयझाम के हाथों में। स्ट्राइक पर प्रिंस, नॉन स्ट्राइक पर गुरुशरण। लेग साइड में खेला, फील्डर वहां पे गोविंद बत्रा मौजूद। और क्या कैच पकड़ा यार मोंटी ने, मुझे लगता है अंपायर की मोंटी के हाथ को एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं फेविकल तो लगा कर नहीं है। जैसे ही बॉल आया सीधा एकदम पकड़ लिया, खुद के फॉलो थ्रू में काफी मुश्किल होता है। बहुत अच्छा कैच यहां पर मोंटी द्वारा, अपनी गेंदबाजी से काफी अच्छे अच्छों को पानी पिलाया यहाँ पर गुरुकुल इलेवन के। हमारे गुरु भैया ने अभी पानी पिलाया उन्होंने प्रिंस को। नए बल्लेबाज निर्मल मदान सामना करेंगे जय की अगली गेंद का। फ्लिक किया वहां पर फील्डर मनीष बियाओ में मौजूद, लेकिन एक से खाता खुला। स्ट्राइक दी प्रिंस को,
क्योंकि निर्मल जानते हैं कि जो प्रिंस है वो सेट बल्लेबाज है, बड़े हिट्स मारने में काफी मशहूर। मोंटी एक बार फिर तैयार। लेग बिफोर की अपील और अपील में जोर ज्यादा अंपायर ने आउट करार दिया यहां पर प्रिंस को। अच्छा कमबैक यहां पर करा है सतनाम इलेवन के स्टार बॉलर मोंटी ने, दो विकेट चटकाई है इस ओवर में। गुरुकुल इलेवन के कप्तान अमित झाम क्रीज में आते हुए, गुरुदत्त भी अपनी पारी का इंतजार करते हुए। मोंटी की अगली गेंद, तो फुलडा अच्छी फील्डिंग वहां पर अनिल बिया द्वारा, अच्छा बॉलिंग का नजारा यहां पे पेश करते हैं मोंटी अब तक इस ओवर में। गेंद हवा में, तेजस वहां पर डाइव नहीं किए। एक ओवर समाप्त हो चुका है, आठ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल इलेवन का 64 रन, आठ ओवर 64 रन। अंतिम दो ओवर का गेम शेष रह गया इस पहली इनिंग में, आठ ओवर 64 रन। नॉन स्ट्राइक पर निर्मल, स्ट्राइक पर अमित। पेविलियन में बल्ला अपने हाथ में लिए अपनी पारी का प्रतीक्षा करते हुए गुरुदत्त, अच्छा बॉल अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन दिशा में, मोंटी मौजूद एक से। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। मिड विकेट के ऊपर से खेला, गैप में कोई वहां मौजूद नहीं और इसी के साथ 4 रन प्राप्त किए। स्कोर बढ़ता हुआ 170 रन गुरुकुल इलेवन का। अच्छा कमबैक यहां पर बीट हुए, अच्छा कमबैक यहां पर राजीव द्वारा। लो फुल टॉस और एक अच्छा कैच यहां पर पकड़ा सीनियर प्लेयर अनिल बिया ने। 9 ओवर प्रगति पर, अनिल अरोरा अपनी बल्लेबाजी का बलिदान दिया यहां पर। गुरुदत्त ने अपने बड़े भाई गुलशन को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए।
नौ ओवर प्रगति पर। अच्छी बॉलिंग यहां पर पेश करते हुए। बाहरी किनारे लिया बल्ले का कैच छूटा यहां पर गुलशन मियां का, लेकिन काफी किफायती ओवर करते हुए यहां पर राजीव। नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है गुरुकुल 11 का बढ़ता हुआ। नौ ओवर 170 रन। हमारे बीच में मौजूद जैन समाज से जैन युवा मंडल के कार्यकर्ता योगी जी डागाए में मौजूद, आपका हार्दिक स्वागत। अंतिम ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर मोंटे, बेहतरीन शॉट खेला, फील्डर वहां पे मौजूद और एक अच्छा कैच पकड़ा। सुजल चावला ने काफी अच्छा कैच पकड़ा। गुरुदत्त भैया सुजल चावला, मुझे लगता है कि शायद लास्ट मैन जाएंगे हमारे गुरुदत्त भैया। बल्ला कब से, जब दूसरी विकेट गई थी तब से बल्ला उनके हाथ में था, लेकिन पता नहीं शायद तब्दीली करते हुए यहां पर बैटिंग लाइनअप में मोंटी। एक और यहां पर कैच छूटा, एक और विकेट यहां पर चटकाई मोंटी ने। नए बल्लेबाज गुरुकुल 11 के इंद्रेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए। रिकी शर्मा जिन्होंने कैच पकड़ा, रिकी शर्मा चार शॉट खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर तेजस द्वारा, दो रन चुराए धोनी बल्लेबाजों ने। और कैच छूटी यहां पर, उसी की भी दो रन चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी चीयर अप यहां पर मिलता हुआ इंद्रेश को। और रन आउट, स्कोर हो चुका है गुरुकुल 11 का 10 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन। 75 का लक्ष्य यहां पर दिया गया है सतनाम 11 को, यह मैच जीतने के लिए।
सतनाम जल्द से जल्द बॉल चूज करने आए। सतनाम के कैप्टन बॉल बॉल सतनाम कवल पुन्यानी जहां कहीं पर भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। कवल पुन्यानी अगली मैच का टॉस कराना है हमें, जो खेला जाएगा सूरत स्ट्राइकर्स वर्सेस निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों कप्तानों से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। अगली मैच का टॉस सूरत स्ट्राइकर्स वर्सेस निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच। अबे निकाल रहे, अबे चुन के दे रहा ना वो, उसकी दे ही नहीं रहा हूँ पहले। पलाश जावा निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के कैप्टन राहुल पोपली पलाश जावा या राहुल पुन्यानी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए टॉस कराने के लिए। अगली मैच का टॉस कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अगला मैच जो खेला जाएगा सूरत स्ट्राइकर्स वर्सेस निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच। इसका टॉस कंडक्ट करने के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे बड़े भैया वीरेन जी पुन्यानी को, और उनका साथ देंगे हमारे मेहमान योगेश जी डागा, और उनका साथ देंगे हमारे राकेश जी जाम उर्फ हमारे प्यारे कक्कू भैया। मैं आमंत्रित करता हूं तीनों को कि जल्द से जल्द टॉस कंडक्ट करने के लिए आए। जो खेला जाएगा सूरत स्ट्राइकर्स वर्सेज निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स, दोनों ही टीम के कप्तान कॉमेंट्री बॉक्स के नीचे खड़े हैं। कॉल कौन करेगा? सूरज कॉल करेंगे। कॉइन हमारे कक्कू पे उछालते हुए हेड्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स ने यहाँ पे बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहूंगा धन्यवाद टॉस कंडक्ट कराने के लिए हमारे वीरेंद्र भैया कक्कू भैया और योगेश भैया का। सूरज एक मिनट पलाश पलाश मैं जानना चाहूंगा आपने जो टॉस जीता है और बॉलिंग करने का निर्णय लिया है इसके पीछे क्या आपकी टीम की स्ट्रेटेजी है? वो मैच में बताएंगे। अच्छा, इनके इरादे पूरे साफ है कि जो होगा मैच में दिखाएंगे, शब्दों में हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं, 100% देंगे। और वहीं सूरत स्ट्राइकर्स के कप्तान सौरभ मेरे साथ मौजूद, कितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे आप इस मैच में ताकि एक स्कोर जो सेट करेंगे निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच के लिए? बिटवीन 80 to 100। इन्होंने कहा है 80 के बीच, 80 या 100 के बीच में। दोनों ही टीम को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। चलो आते ही छक्का मारा अपनी टीम के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 11 के स्टार गेंदबाज जिन्होंने पहली मैच में लेग स्टंप के बाहर अंपायर का राइटली व्हाइट का इशारा, फील्ड जो यहां पे सेट की गई है
शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंद, हल्के हाथों से खेला, एक रन छुराया, आंखों के काम इशारा करके दोनों ही बल्लेबाजों ने, अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट के रीजन में गुरुदत्तिया द्वारा, ऑस्ट्रेलियन टीम में उस पॉइंट की दिशा में एक जमाने में रिकी पॉन्टिंग फील्ड करते थे, तब से उन्होंने माना है कि मैं जब भी क्रिकेट खेलूं उसी फील्ड मेरी प्लेसमेंट हो। गुरुदत्त झाम फिर गैप में खेला, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए अंपायर का निर्णय चार रनों के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 7-11 का। गैप में खेला, वहां पे फील्डर जीतू मौजूद, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 7-11 का। स्कोर अपडेट करेंगे कमेंट्री बॉक्स से, स्कोरर स्कोरर एक ओवर 18 रन, हितेश गोलू बॉलिंग की कमान, गैप में खेला, चार रन प्राप्त की अपनी टीम के लिए। अच्छा कमबैक यहां पर, पहला झटका लगता हुआ 7-11 को तेजस के रूप में। गुरुशरण अच्छा कमबैक, ऑन साइड में खेला, फील्डर वहां पे प्रिंस मौजूद, काफी स्लो बॉल को काफी चतुराई से खेला यहां पर अजय पुनियानी ने। कई वर्षों से ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठकर वॉकिंग करते करते बाबुलवन तक आते हैं, काफी फैंस फॉलोइंग इनके बाबुलवन के यहां पे आए हुए, फूड जोन के पास बैठे हुए, काफी खचाखच भरा हुआ। फिर हल्के हाथों से कट किया, फील्डर वहां पे मौजूद हमारे गुरुकुल 11 के,
पॉइंट पे गुरुदत्त जाम। दो ओवर के समाप्ति के बाद सतनाम 11 का स्कोर हो चुका है। स्कोर स्कोरर दो ओवर 29 रन। काफी लेट कट किया, फील्डर वहां पे मौजूद गुरुदत्त, अच्छा थ्रो गुरुदत्त ने थ्रो किया, गुरुदर्शन ने पकड़ा। पहले मैच में काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजी की थी हमारे गुलशन में ने, जय माता दी वेस्ट इंडीज के, चार विकेट चटकाई थी इन्होंने। लेग स्टंप के काफी बाहर, एक रन छुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वेदांत मदान, वेदांत आनंद मदान जहां कहीं पर भी हो कॉमेंट्री बॉक्स के सामने आए। कट किया वहां पर, मिसफील्ड हुई वहां पर थोड़ी सी गुरुदत्त द्वारा, लेकिन अच्छा बैकअप, एक रन छुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वेदांत आनंद मदान आप जहां कहीं पर भी हो जल्द से जल्द प्रीतम भाई से संपर्क करें। अच्छी बॉल, उतना ही खूबसूरत प्लेसमेंट, खूबसूरत फील्डिंग प्रिंस द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का फिर कट किया वहां पर, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर गुरुदत्त द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 34 रन, एक विकेट के नुकसान पर। नए बॉलर गुरुदत्त झाम जो बॉलिंग करेंगे ईडीएम अड्डा पॉइंट से, मेरे अच्छे मित्रों में से एक है, मुस्कुराहट हमेशा 24/7 के चेहरे पर मौजूद रहती है। अब देखना होगा ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का व्हाइट का इशारा। कैमरामैन कुणाल फोन उठाओ। विकेट चटकाई यहां पर गुरुदत्त ने, जूनियर उपाध्यक्ष ने सीनियर उपाध्यक्ष को, पंजाबी युवा समिति के शाम बड़ी पी पानी धीरे पंचायत न कोई कहानी देखो शाम बड़ी पी पानी धीरे धीरे पंचायत न कोई कहानी दिल पर है। कैमरामैन कुणाल, कुणाल कुणाल फोन उठाओ फोन। विकेट काफी चतुर गेंदबाज है गुरुदत्त। नए बल्लेबाज मोंटी,
भारी किनारा लिया बल्ले का, जसपाल वहां पे फील्डर मौजूद थर्ड मैन रीजन में, एक रन चुराया है बल्लेबाजों ने। अच्छी बॉल, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर गुलशन मिया द्वारा। एक बॉल शायद शेष रह गई है, काफी चतुराई से यहां पर गेंदबाजी की, गुरुदत्त ने दो विकेट चटकाई। अच्छा प्लेसमेंट लेकिन थोड़ा सा अंबल हुए वहां पर कप्तान अमित। मैच की आगे का हाल आपको सुनाएंगे। हमारे लाडले भतीजे पार्थ बत्रा और उनका साथ देंगे सबके चहेते मामा। स्कोर अपडेट करें ऐप में प्लीज। छह रन, बेहतरीन शॉट। हमारे युवा फोटोग्राफर जतिन जी बहल यहां पे मौजूद, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा मौजूद रहती है। स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है ऐप में, स्कोर हो चुका है 44 रन। ओवर टू यू पार्थ एंड सबके लाडले मामा। स्ट्राइक पर एक बार फिर राजीव, और ये डिप होती हुई बॉल यहां पर स्लोअर वन थी, पूरी तरह से चूके वहां पर राजीव। अच्छी चालाकी से गेंदबाजी करते हुए यहां पर गोलू जाने जाते हैं इसके लिए। अच्छा बॉल प्लेस कर दिया वहां पर, रन आउट का मौका
काफी अच्छी फील्डिंग हमें वहां पे देखने को मिल रही है गुलशन जी झाम से। स्ट्राइक पर एक बार फिर सुजल, सूझबूझ से गेम को आगे चलाते हुए वहां पर सुजल। अच्छा प्लेस कर दिया वहां पर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर प्रिंस मौजूद। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 46 रन। गेंदे बची हैं 30, रन बनाने हैं 29। रन बॉल का ये मैच है, क्या इसमें हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा जैसा हर मैच में हमें देखने को मिला है अब तक के पीपीएल के इतिहास में। गेंदबाजी की कमान लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट से प्रिंस जाम सामना करेंगे सुजल। और इसी बीच क्लीन बोल्ड यहां पर सुजल, काफी अच्छी गेंद वहां पर प्रिंस की, पूरी तरह से चूके, एंगल का इस्तेमाल करते हुए पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया। अब बल्लेबाजी की कमान संभालने आ रहे हैं रिक्की शर्मा। हम स्वागत करते हैं श्री रामदास जी वाडनकर उर्फ रामया उर्फ रामा, जिन्होंने हमें ये पूरे ग्राउंड की साफ सफाई एवं पूरी व्यवस्था में काफी मदद की है। ये जो ग्राउंड आज दिख रहा है जिस पे आप खेल रहे हैं, इसका पूरा मेंटेनेंस इनके हाथ है और काफी अच्छा सहयोग करते हैं साफ सफाई से लेकर सभी कार्यों में। और एक बहुत अच्छे मधुर भाषी व्यक्ति, मैं स्वागत करता हूं आपका। हेलो हेलो, चेक चेक। बहुत बेहतरीन गेंद, उतनी अच्छी वह कैच की कोशिश और अंपायर का इशारा आउट। मैच में जैसा कि मैंने कहा था ट्विस्ट होता ही है, पीपीएल में कोई मैच बिना ट्विस्ट के निकल जाए ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है। दो गेंद पर दो विकेट, प्रिंस जाम जाने जाते हैं इसके लिए। हैट्रिक बॉल होगी शायद, ये इस सीजन की पहली हैट्रिक चांस है। अब स्ट्राइक पर रहेंगे मनीष बत्रा। पार्थ, मैं आपको बता दूं, ये शायद अब तक का कीपर द्वारा सबसे बेहतरीन कैच हो सकता है। चुस्त मुस्तैद हमारे कीपर गुरु भैया, इंपोर्टेड है, होना ही था ऐसा। अगले बल्लेबाज मनीष पत्रा। बेहतरीन गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान दिया हुआ मनीष ने। हाना हाना के बीच सिंगल चुराना चाहते थे, वहां पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, पर कोई नुकसान नहीं यहां पर सतनाम को। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राजीव, स्ट्राइक पर मनीष।
बहुत ही खतरनाक गेंद थी ये प्रिंस द्वारा। मैं बता दूं, शायद ये पीपीएल का इस पीपीएल का दूसरा मेडन ओवर प्लस विकेट है। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं गुरुदत्त जी झाम। और ये बहुत ही बेहतरीन कैच और उतना ही बड़ा झटका लगता हुआ सतनाम इलेवन को। अगले बल्लेबाज सतनाम इलेवन की तरफ से आ रहे हैं सतनाम के कप्तान सीए गोविंद जी वत्रा। क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट है? क्या लगता है पारजी वत्रा आपको, क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट है? क्या ये विकेट से सतनाम गिर जाएगा? देखिए, जितना कि मैं अभी आने वाले बल्लेबाज को जानता हूं और जिस हिसाब से मैंने उन्हें पूरे पीपीएल के सीजन में गेम पलटाते हुए देखा है, गोविंद जी वत्रा कंधे पर जिम्मेदारी लेकर आते हैं और हर बार शत प्रतिशत उसे डिलीवर करते हैं। कल की मैच में भी हमने देखा, तो मुकाबला ये कड़ा होने वाला है। जिस हिसाब से गुरुकुल की बॉलिंग है उस हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये मैच अंत तक जाएगा? ये मैं आपको बता दूं, कमजोर दिल वाले ये मैच नहीं देख पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। आखिरी ओवर तक ये गेम जाएगा, एक ओवर इसके बाद प्रिंस भैया का है। अगले बल्लेबाज गोविंद जी बत्रा स्ट्राइक लेंगे, गेंदबाज रहेंगे गुरुदत्त जी झाम। गुरुविया फील्ड सजाते हुए गुरु भी हमसे दूर जाते हुए पहली गेंद मिसिंग लेग है। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। हमारे इंपोर्टेड कीपर काफी ज्यादा एक्साइटेड वहां पर, अभी अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से कीपिंग कर आ रहे हैं। फिर फील्ड में तब्दीली, स्ट्राइक पर अब मनीष। बहुत ही बेहतरीन गेंद, कट कर दिया है एक रन के लिए।
फील्डर रिकी मलिक। स्ट्राइक पे गोविंद जी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया है पर लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया गुरुदत्त ने। काफी एक्साइटेड दिखते हुए यहां पर कीपर। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बीट हुए पूरी तरीके से बल्लेबाज। यॉर्कर लेंथ की बॉल यहां पर गुरुविया की। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड मिचेल स्टार्क से ट्रेनिंग लेके आते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद, उतना ही अच्छा कट शॉट वहां पीछे गैप में और बहुत ही बेहतरीन शॉट चार रन के लिए। काफी अच्छा कट शॉट यहां पर हमें देखने को मिला। और बताओ, कॉपी बुक चाबुक शॉट ये। और बता भाई, 18 पे 23 गेंद बची है 18, रन बनाने हैं 23। अगले गेंदबाज देखना होगा कौन आते हैं। सोच विचार में दोनों टीमें, थ्रिलर टाइम हैज बिगन आई गेस। पीपीएल का ये तीसरा दिन, हर घटती मैच के साथ थ्रिलर टाइम पास आता जाता है। मैं गुरुकुल 11 से निवेदन करूंगा कृपया मैच की गति बनाए रखें। अंपायर से रिक्वेस्ट है मैच की गति बनाए रखें। मैच की गति बनाए रखें कृपया कर गुरुकुल 11। अगले गेंदबाज जितेंद्र चावला उर्फ जीतू। बहुत ही बेहतरीन गेंद पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का राइट लीव वाइड का इशारा। जितेंद्र चावला बेहतरीन गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, एक रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। स्ट्राइक पे गोविंद बत्रा। बेहतरीन गेंद, आगे की तरफ खेल दिया एक रन के लिए। गेम चलाते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं एंड तक लेके जाना जरूरी इस मुकाबले को। बेहतरीन गेंद और यह थोड़ा सा मिसफील्ड पर कोई नुकसान नहीं, एक ही रन मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, ट्विटेड टाइप का शॉट खेला था, एक ही रन मिला लेकिन। फील्डर लगा के रखे की दौड़ मस्जिद तक रोज को खेले हुए
और बहुत ही बेहतरीन खेल दिया। फील्डर मौजूद, देखना है क्या होता है, क्या ये चौका मिल पाएगा। और ये मिसफील्ड और बहुत ही बेहतरीन चार रन मिसफील्ड के चलते यहाँ पर चौका मिला। क्या लगता है पार्थ, ये चौका कितना भारी पड़ेगा गुरुकुल को? आने वाला वक्त ही बताएगा, पर जिस हिसाब से अभी ये मुकाबला चल रहा है, मुझे लगता है आजू बाजू वाले घरों पे छतें भरना चालू हो गई है। अभी अभी पता चला था 2000 रुपए में आखिरी टिकट बिकी थी। बेहतरीन गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस वहां मनीष द्वारा। दो ओवर शेष है, रन बनाने हैं 14। एक ओवर इस बीच पावर प्ले का होगा जहां तक मेरा मानना है। दोनों टीम स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे, आज देखते हैं क्या होता है आगे। 12 गेंद 14 रन, अगला ओवर लेकर आ रहे हैं प्रिंस झाम। प्रिंस 9वां ओवर लेकर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर गोविंद जी बत्रा, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, वही एंगल से वापस गेंदबाजी की कमान। पिछले ओवर मेडन डाल चुके प्रिंस जी जाम। क्या लगता है पार्थ, ये ओवर में कितने रन स्कोर करना चाहेगा सतनाम? जिस हिसाब से पिछला ओवर डाला गया था, काफी मुश्किल यहां पर रन स्कोर करना, देखते हैं क्या होता है। और मैं बता दूं, ये दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज। और ये बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, पर वहां कैच ड्रॉप हुआ हमारे इंपोर्टेड कीपर के हाथ। मैं आप दोनों को बता, आप सबको बता दूं, बल्लेबाज और गेंदबाज ये दोनों CAPL में एक ही टीम से खेलते हैं। लेगेसी चलती आ रही, इनकी एक लेगेसी चलती आ रही है CAPL से। बहुत ही बेहतरीन गेंद, यहां पर गेंदे बची हैं 10, रन बनाने होंगे 14। थ्रिलर टाइम, मैं जब से कह रहा हूं। वहां फूड बॉक्स से लोग बाहर आ चुके हैं मैच देखने के लिए। एक और बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, डॉट बॉल। प्रिंस भैया को अगले साल से टीम में नहीं लेंगे। 3 डॉट बॉल्स का प्रेशर यहां पर, देखना है कितना भारी पड़ता है और क्या प्लानिंग होगी यहां से आगे सतनाम की। पार्थ, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवर में भी मैच खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर पावर प्ले होगा। और ये और एक डॉट बॉल, 4 गेंदे डॉट हो चुकी हैं। प्रिंस जाम करिश्मा करते हुए अपनी टीम के लिए। मैं बता दूं, अब तक इनने 10 गेंदे डाली हैं और एक भी रन नहीं दिया है। 10 की 10 गेंदे डॉट बॉल है, हम बता दें। और ये मिस हुआ कीपर से, और 22 का चौका शायद। हाँ बिल्कुल सही, 22 का चौका। क्या लगता है पार्थ, ये गलती गुरुकुल को कितनी भारी पड़ेगी? गेंदे बची हैं 7, रन बनाने हैं 10, आखिरी ओवर होगा पावर प्ले का। स्ट्राइक पर एक बार वापस गोविंद जी बत्रा, गेंदबाजी की कमान प्रिंस के हाथ में।
बहुत ही बेहतरीन गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मैं बता दूं ये ओवर में भी केवल 22 के रन आए हैं, बैट से रन बनाना लगभग मुश्किल प्रिंस की गेंदबाजी पर। मैं आपको बता दूं गेंदें बची है 6, रन बनाने हैं 10, ये ओवर ऑफिशियली पावर प्ले का ओवर माना जाएगा। कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। हमारे प्यारे चहीते हमारे साथ कमेंट्री ज्वाइन करेंगे, हमारे प्यारे चहीते मोहित जी बत्रा उर्फ बुमरा। स्वागत करते हैं हम मोहित आपका। थैंक यू रोहन। और यहाँ लांबा जी का हाल इस तरह है कि अंतिम 6 गेंदे और रन बनाने हैं 10। गोविंद जी बत्रा पिछले 17 सालों से ऐसे कई बार कारनामे कर चुके हैं, अंतिम ओवर में मैच जिता चुके हैं। या हमारे लांबा जी 3-4 बल्ले लेके आए थे लेकिन गोविंद जी बत्रा को एक भी पसंद नहीं आया। छह गेंदे 10 रन। ओ अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, 6 गेंदे 9 रन। इस इक्वेशन के साथ मोहित बत्रा बहुत ही बेहतरीन गेंद और घुमा दिया है उसे 30 यार्ड्स में 1 रन के लिए। 5 गेंद 8 रन। ये प्रेशर कुकर का प्रेशर नहीं, क्वार्टर में जाने का प्रेशर है। गेंदे बची है 5, रन बनाने हैं 8। क्या यह मुमकिन होगा? गोविंद जी बत्रा तैयार स्ट्राइक पे। क्या गोविंद जी ये चमत्कार करेंगे? और ये डॉट बॉल। हम आपको बताना चाहेंगे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मैं आपको याद दिला दूं इसी तरह 2 साल पहले गोविंद जी बत्रा ने ये मैच ऐसा ही फंसा हुआ मैच जिताया था। बॉल ऑफ साइड में बाहर, अपने ही बॉलिंग थ्रू में अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया, काफी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए जीत। 3 गेंदे बची है, 7 रन की जरूरत। स्ट्राइकिंग मनीष बत्रा, बॉलर जीतू चावला। 3 गेंदों में 7 रन चाहिए, मनीष बत्रा स्ट्राइकिंग पे है। शॉट लिया है अपने ही बॉलिंग थ्रू पे, फिर फील्डिंग किया जीतू ने, मात्र 1 रन निकला। 2 गेंदों में 6 रन। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कल यही सिचुएशन थी, सामने वाली टीम को 2 गेंद पे 6 रन चाहिए थे। आउट होके आए हैं गोविंद बत्रा जी, अंपायर का निर्णय समझना होगा किस विषय से आउट हुए हैं वे। अंपायर रन आउट कैसे, आउट कैसे हुए हैं ये? LBW हुए हैं, स्ट्राइक लांबा जी के हाथ में है।
एक गेंद छह रन आवश्यकता सतनाम को यह मैच जीतने के लिए। जितेंद्र लांबा, जीतू लांबा, जीतू काफी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी करते हैं। अमित झाम उन्हें समझाते हुए, जीतू टू जीतू, जीतू टू जीतू। वाइड बॉल का इशारा, एक गेंदों में पांच रन। गुरुकुल ये मैच जीत चुका है, यह एक रन निकला